अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यस्टरडे वी स्टडी अबाउट जनरल साइंस, डिस्कस द साइंस ब्रांचेस ऑफ साइंस। नो यू आर सी ऑन द स्क्रीन द कोर्स कंटेंट। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जनरल साइंस क्लास 7 में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। बायो में आपने बायोलॉजी में पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। केमिस्ट्री में एटम्स एंड के सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। ये आपने अपने साथ रफ कॉपी में मस्ट नोट करने हैं, ठीक है। आप सबके पास रफ कॉपी मस्ट हो, आपके बुक और आपकी स्टेशनरी आपके पास हो। जो चीज़ हम आपको बताएं, मीनिंग लिखवाए, वो आपने अंडरलाइन करनी है, मीनिंग अपने साथ मस्ट नोट करना है। अच्छा, टॉपिक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आ रहा है द बेसिक न्यूट्रंस। 5 बेसिक न्यूट्रंस है एंड 2 जो है वो भी बॉडी को चाहिए, एसेंशियल है। तो 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास है, कल जैसे हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हमारे पास 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एनिमल फूड, प्लांट फूड की पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आप देख लें, हमारे पास जितनी भी ये पोटैटो देखिए, वीट देख लें, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह जो है ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। सेकेंड ग्रुप में जो है प्रोटीन्स जो है, ये फ्रूट जितनी भी है, वेजिटेबल्स जो भी है, ये हमें क्या दे रहे हैं, विटामिन्स के साथ साथ ये हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें है, जैसे चीज़ देख लें, एग उसमें आ जाता है, ये मिल्क ये हमें देता है प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट जो फिश वगैरह मीट है, ये भी हमें प्रोटीन देता है, ये ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैट्स ऑयल्स है, ये हम लेते हैं ऑयल वगैरह से, ठीक है, लेकिन ये हम अपने फूड में बहुत कम क्वान्टिटी में रखते हैं। बटर्स ले लें, चीज़ ले लें, इसमें फैट्स पाए जाते हैं। अब आप सब अपने बुक्स की तरफ आ जाए, सब अपने बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 2, सबके सामने बुक का पेज नंबर 2 ओपन हो। चैप्टर का नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके ऊपर मीनिंग लिख के, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मीनिंग लिख के, निज़ाम इन्हिज़ाम, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था। अब बुक की तरफ आ जाए, शाबाश, सब अपने बुक खोलें, सबके पास अपना पेंसिल हो। नंबर फर्स्ट लाइन की तरफ देखिए, ऑल द फूड वी ईट फॉल्स इनटू 5 बेसिक कैटेगरीज। हम जो खुराक खा रहे हैं, ठीक है ना, ऑल 5 फूड जो हम ले रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर को खाना खा रहे हैं, लंच कुछ ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसमें हमारे खुराक में 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स मस्ट होनी चाहिए, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फर्स्ट वन की तरफ आ जाए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट को सब अंडरलाइन करें, उसके ऊपर लिखे नाश्ता, कार्बोहाइड्रेट को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिखे नाश्ता, और साथ में ये लाइन भी अंडरलाइन करें कि कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर एंड स्टार्च गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, आप सुबह नाश्ते में पराठा खाते हो या ब्रेड खाते हो, ये बने हैं वीट से, वीट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें देता है स्टार्च, और स्टार्च हमें देते हैं एनर्जी। इसी तरह शुगरी फूड, जूस ले लें, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट सब जैसे एप्पल वगैरह का है, उसमें जो मीठा जायका है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज़ें जो हम लेते हैं, ये हमें क्या देता है, क्विक एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट वन की तरफ आ जाए, प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर लिखे लहमियात, प्रोटीन के ऊपर मीनिंग लिखे लहमियात। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड दैट आर पार्ट ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी। ये लाइन अंडरलाइन कर दे कि प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड दैट आर पार्ट ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी। अब आप देख ले, आपकी हेयर कट करने के बाद बाल बढ़ जाते हैं, नेल्स काटने के बाद नेल्स बड़े हो जाते हैं, आपका स्किन कट जाए, स्टार्च दैट इज वीट, वीट्स में पाया, राइस में पाए जाते हैं, वीट में पाए, एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च इज वीट, राइस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, शुगर केन वगैरह इसमें भी पाए जाते हैं।
यस नेक्स्ट वन जो है प्रोटीन जो है दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड दैट आर पार्ट ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी. इसकी एग्जांपल आप देख ले आपका स्किन कट जाए तो वो जख्म आप देख ले कुछ टाइम बाद बढ़ जाते हैं आपको जख्म नजर नहीं आता. क्यों? क्योंकि प्रोटीन की वजह से जो ग्रोथ हो रही है सेल्स में वो उसको कवर कर देता है. इसी तरह बाल देख ले वो वापस बड़े हो जाते हैं नेल्स वगैरह ये सारे के सारे इनकी ग्रोथ में हेल्प कौन करता है दैट इज प्रोटीन. दे आर आल्सो नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. डैमेज मीन जो खराब हो चुके हैं जो कट चुके हैं रिपेयर करना मुरम्मत करना ये बॉडी के डैमेज पार्ट्स की मुरम्मत करती है. नेक्स्ट वन दैट इज फैट्स. कुछ लोग फैट्स बहुत शौक से खाते हैं लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह है. ज़्यादा फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये हमें अपने खुराक में बहुत कम लेनी चाहिए. फैट्स के ऊपर लिखे चर्बी. फैट्स आर स्टोर एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब है कि एक गैर मौसूली अलग कर देना ठीक है ना. तो ये जो है ये स्किन के नीचे क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है. आप देख ले फ्रॉग्स कुछ एनिमल्स जो सर्दियों में छुपते नहीं है बर्फ वाले इलाके में रहते हैं तो उनकी स्किन के नीचे ये फैट्स रहते हैं उनका लेयर रहते हैं जो उसको गर्म रखते हैं. तो फैट जो है वो स्टोर लेयर इज अ इंसुलेशन अंडर द स्किन. ये स्किन के नीचे एक ऐसी लेयर बन जाती है जो एक ताल्लुक काम करते हैं जैसे इंसुलेशन हम कहते हैं इसमें होता है इंसुलेट. फैट प्रोड्यूस ट्वाइस एज मच एनर्जी पर ग्राम अ कार्बोहाइड्रेट. फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है बनिस्बत जो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें देता है एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी हमें उस ग्राम से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट्स देता है. एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द एनर्जी वी यूज ईच डे कमिंग फ्रॉम फैट्स. हम रोज़ाना जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसका चौथाई हिस्सा क्वार्टर मीन चौथाई हिस्सा जो है एनर्जी का वो हम इस्तेमाल करते हैं. तो वो हमें किन चीज़ से मिलता है फैट्स आप देखिए सुबह पराठा ऑयल में बनता है उसमें क्या चीज़ आ जाती है फैट्स. ज़्यादा लोग मीट्स वगैरह खाते हैं मीट्स वाले जो है चर्बी टिक्के वगैरह जिनको बहुत पसंद होते हैं ये सारी चीज़ें जो खाते हैं ये फैट्स आते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज मिनरल्स. मिनरल्स दैट इज मादिन्यात. आपको बच्चे मैं साथ साथ में मीनिंग्स बता रही हूँ आप सब ने ये मीनिंग्स वन बाई वन नोट करने जैसे कार्बोहाइड्रेट का बता दिया प्रोटीन का यहाँ रिपेयर का फैट्स का ये आपने मस्ट नोट करने हैं. आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट का लाइन भी बता दिया अंडरलाइन कर दे मस्ट. अब ये क्योंकि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं और हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव हम आपको ऐसे दें कि आप लोगों ने फिर वो खुद सॉल्व करने एक टेस्ट टाइप हो. अच्छा ये लाइन आपने अंडरलाइन कर दिया है कि प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड That are part of every cell in your body. ये भी साथ में underline करें. They also needed to repair damaged parts of the body. अब fats जो है ये आपने underline करना है कि fats are stored as a layer of insulation under the skin. अब next one that is minerals. Minerals mean मादिन्यात. ये हमारे पास ये जो salts वगैरह हम लेते हैं ठीक है उसमें पाए जाते हैं elements. Describe a whole collection of elements. Minerals mean ये तमाम के तमाम एलिमेंट जैसे ये कैल्शियम हो गए फास्फोरस हो गया ठीक है सोडियम हो गए पोटेशियम हो गए ये सारे के सारे हमारे पास क्या है मिनरल्स है. मिनरल्स डिस्क्राइब्स अ होल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस. हम एलिमेंट्स आपको पता है क्लासिक्स में भी पढ़ा है कि हमारे पास टोटल 117 एलिमेंट्स है. कुछ एलिमेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है उसमें हमारे पास ये है कैल्शियम ठीक है साथ में है फास्फोरस. अब कैल्शियम और फास्फोरस क्या काम कर रहे हैं आप ये अंडरलाइन कर दें कि कैल्शियम एंड फास्फोरस नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ. अब कैल्शियम जो है और फास्फोरस ये जिन फूड में जैसे कैल्शियम जो है ज़्यादातर ऑरेंज वगैरह में मौजूद है. मिनरल्स जैसे हम ऑरेंज ले रहे हैं ना ठीक है ना तो ऑरेंज में कैल्शियम की अमाउंट पाई जाती है जिसमें हम कहते हैं विटामिन सी भी आ जाती है ठीक है. तो ये कैल्शियम मिल्क में भी पाया जाता है ये हम ले रहे हैं. और फास्फोरस ये नीडेड है
बोन को और टीथ को मजबूत करते हैं। आप देख लेते हैं अक्सर टूथपेस्ट वगैरह में भी ये लिखा होता है कि इसमें कैल्शियम ये है, फास्फोरस है, जो टीथ को मजबूत रखते हैं, जैसे कोलगेट वगैरह उसमें देख उसके इश्तेहार में आ जाते हैं। और इसी तरह हम मिल्क पीते हैं, मिल्क जो है दैट इज अ कम्प्लीट डाइट। मिल्क जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है, फैट्स भी मौजूद है एंड मिनरल्स भी मौजूद है। ये हमारे पास एक कम्प्लीट डाइट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अब देख लीजिए, अंडरलाइन करें कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, ये बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, बिल्ड करता है। अब नेक्स्ट वन जो है और एलिमेंट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम टू कीप नर्वस फंक्शनिंग प्रॉपरली, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए हमारे पास जो मिनरल्स चाहिए दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर रखता है। एंटीनिक क्वांटिटीज ऑफ अदर मिनरल्स दैट हेल्प टू कीप अस हेल्थी, और इसी तरह और मिनरल्स भी हमारे बॉडीज को चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत नहीं होती है, छोटे छोटे। नेक्स्ट वन दैट इज विटामिन, विटामिन में हयातीन, ये हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है। मिनरल्स जो है जितने भी हम फ्रूट्स लेते हैं उसमें ज्यादातर विटामिन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन है। कुछ लोगों को विटामिन की कमी होती है तो टेबलेट्स वगैरह जिसमें विटामिन ए बी सी, इसी तरह विटामिन ए जो है वो इसेंशियल है आई साइट के लिए, विटामिन ई जो है वो हमारे पास जो आ जाती है हेयर के लिए, विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन सी जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ये जो गम्स वगैरह होते हैं ठीक है ना, उसके लिए विटामिन सी ज़रूरी है, जो ऑरेंज वगैरह इसमें से पाए जाते हैं। अक्सर हम विटामिन सी के लिए वो कैल्सी वाले टेबलेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखिए विटामिन आर इसेंशियल इन योर हेल्थ, ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट अगेन आर नॉट आर ओनली नीडेड इन टाइनी क्वान्टिटी, ज़रूरी है लेकिन इसकी मकदार हम कम लेते हैं। अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ ऑल द विटामिन यू नीडेड ओनली वेट अबाउट 250 grams, हमारे बॉडी जो है विटामिन उसको चाहिए लेकिन अगर तमाम जिंदगी हम जिंदा रहे तो विटामिन की अमाउंट जो है वो कितनी है, 250 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम्स। अब 5 जो है वो तो बेसिक हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, उसके अलावा 2 और न्यूट्रंस है दैट इज फाइबर एंड वाटर। वाटर तो आपको पता है अभी स्पेशली रमजान है और जिसको प्यास लग जाती है तो उसको पता चलता है कि वाटर कितनी ज़रूरी है, ठीक है ना। और फाइबर जो है ये हमें प्लांट फूड से मिलता है, हमारा जो फीसिस होता है, पेशाब जो होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, रेक्टम में ये फीसिस को आसानी से पास कर लेते हैं। फॉर अ हेल्दी डाइट, ठीक है, एक मुतवाजन ग़िज़ा के लिए वी आल्सो नो नीड फाइबर, फाइबर जिसको हम कहते हैं रेशे एस टू हेल्प द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पैसेज होता है जो उसका निकालना होता है, ठीक है ना, किस चीज़ का, डाइजेस्टिव फूड का, जो अनडाइजेस्टिव फूड जो इज अ फॉर्म ऑफ फीसिस हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है फाइबर्स, ठीक है ना। तो हम ये नहीं है कि हम अपने खुराक में जस्ट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें या प्रोटीन्स का करें या फैट्स का करें, हमने अपने खुराक में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी मस्ट करना है, क्योंकि जितने वेजिटेबल्स है, जितनी फ्रूट्स है उसमें फाइबर्स मौजूद है और जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। अगर हम ये ना खाएं तो वह डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं और हमें एक बीमारी आ जाती है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, जिसमें से पेट का सख्त होना, पेशाब का करना फिर मुश्किल होता है, ठीक है। एंड वाटर टू हेल्प डिजोल्व द फूड, अब वाटर जो है वो फूड को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। न्यू एंड टू मेक अप फॉर द वाटर द बॉडी लॉसेस, और पानी हम रोज़ाना पी रहे हैं, हमें कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि 8 से 12 ग्लास पानी हमें रोज़ाना पीना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें फूड डिजोल्व हो जाता है और ये फिर बॉडी को पहुँच जाता है। साथ साथ में ये वाटर हमारे बॉडी से लॉस कैसे होता है, व्हेन ब्रीथिंग, हम जब सांस ले रहे हैं ना, तो अब अगर सांस को निकाल दो और हाथ पे या शीशे पे करो तो शीशे पे जो है आपको ऐसा गीलापन मिल जाएगा, इसका मतलब है ड्रॉप्स बन जाते हैं कि आपके पास इस ब्रीथिंग में जो है वाटर वेपर्स निकलता है, स्वेटिंग, पसीना जो है, देखो गीला गीला पानी होता है, ये हमारे पास स्वेटिंग पसीना एक्सक्रीशन जो पेशाब का करना है वो,
हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये वाटर लॉस हमारे बॉडी में किन तीन तरीकों से होता है? ब्रीथिंग से, सांस ले से स्वेटिंग पसीने से, एंड एक्सक्रीशन पेशाब करने से बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। ये 7 बेसिक कैटेगरीज, 5 जो है वो बेसिक है और 2 अदर, इसके अलावा फाइबर्स एंड मिनरल्स, सॉरी वाटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बुक, पेज नंबर 3, दैट इज लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब लार्ज मॉलिक्यूल जो है ये क्या है? अब हमने अपने सुबह का नाश्ता कर लिया है, दोपहर का खाना खा लिया है, ठीक है, कुछ लंच वगैरह ले, जैसे आपने समोसा खा लिया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, आपने कोई मिल्क वगैरह पी लिया, उसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सब मौजूद है, ये क्या है? ये सब हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। इनकी साइज हमारे सेल्स की साइज से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये सेल में डिजोल्व होने से पहले क्या हो जाएगा, इनकी ब्रेक डाउन होंगी, लार्ज मॉलिक्यूल से ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। अब बुक के पेज नंबर 3 पे आ जाए, एवरीथिंग, बच्चे सब के पास अपने बुक मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग यू ईट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम जो हर एक चीज खा रहे हैं वो बने हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल हमारे पास एक छोटे छोटे जर्रे है जो मौजूद है, बट द मॉलिक्यूल फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, फैट्स में पाए जाते हैं और प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो है लार्ज मॉलिक्यूल। दे हैव टू बी टेक टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड सिस्टम, ये तमाम के तमाम बॉडी के पार्ट्स को मिलता है किसके जरिए से? ब्लड सिस्टम, ठीक है ना, खून की वजह से, क्योंकि खुराक जो है वो डाइजेस्ट होके फिर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद चला जाता है ब्लड में, शामिल हो जाते हैं ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से ये पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट बिकॉज दीज एनर्जी के ऑफ बट बिकॉज These energy giving and body building food are large molecule, it is impossible for them to enter the blood vessel as they are. ठीक है, अब आप देख ले कि कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देने वाला है, फैट्स है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इसका इंटर सेल में ब्लड वेसल में इम्पॉसिबल है, इस वजह से इसकी ब्रेक डाउन होती है। Your digestive system is basically a tube of 10 meter long which began in the mouth and end at the anus. अब ये underline कर दे कि ये digestive system जो है वो basically जो है ये हमारे पास system start हुआ है mouth से और end हुआ है anus पे। इसकी पूरी की पूरी length जो है वो 10 meter है। ये जो intestines इसमें आ जाते हैं small large, इसको खोल के रखे तो इन सब की लेंथ हमारे पास आ जाती है 10 meter। माउथ से स्टार्ट है, माउथ के बाद अब आप अफ्तारी करो, जिसने रोज़ा रखा है तो आप लंच ले, जो कुछ खाए मुंह में आप देख ले, चला जाएगा माउथ से, माउथ से फिर इसोफेगस में आएगा, उसके बाद स्टमक, ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये फर्दर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये पूरा स्टार्ट है माउथ से और एंड है एनस पे। The only way that carbohydrates, fats and protein can be passed through the wall of the tube into the blood vessel is if they are made up into small molecules. ये इनके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन जो है वो पास होने से पहले स्मॉल में, पास होने से पहले ब्लड वेसल्स में, पास होने से पहले स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अंडरलाइन करें, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड into small molecule is known as a digestion. जो ब्रेकिंग डाउन है फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं डाइजेशन। ये डिफिनेशन है डाइजेशन की। अच्छा बच्चे, आज का ज़रा होमवर्क अपने साथ नोट कर दे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है पेज नंबर 3, इसका आप लोगों ने रफ कॉपी में मस्ट प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।